लाइन लगा के, जैसे ये कितना नंबर है, वन है ना, तो इसको जो है ऐसे बस जिसके पास नंबर है वो प्लीज खड़े हो जाइए यहाँ पे पिन लगा के। सबसे बड़ी बात है सबने लगा लिया, सब लोग लगा के पहले नंबर लगा के पहले आप लोग शांत हो जाइए। हाँ गुड, ये देखिए सबने लगा दिया। देखिए कोई भी आप ध्यान से सुनिए हमारी बात, उसको हम बात कर देंगे। जब भी आपको क्लास में कुछ बताना है तो सभी को इन्वॉल्व करना है, पहली बात ये, ठीक है, सबको इन्वॉल्व करना, ये नहीं कि कुछ ही लोगों को बुला करके उनको कराया काम खत्म, ऐसा नहीं, सभी उसमें एक्टिव रहे। ट्वेंटी नहीं होंगे, 24 होंगे, 5 होंगे, कुछ दबा नहीं है, नहीं बिल्कुल, हमारे पास कितने हुए हैं, नहीं जिसके पास नंबर वन किसके पास है, टू टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, टेन किसके पास है, खड़े हो जाओ, बिल लगाओ यहाँ पे, तुम अलग हो क्या, इसको दे दो, आओ इधर आओ, इसको दो, बिल कर दो, बिल लगाओ जरा से, कितना नंबर है तुम्हारा, 10 11 12 13 14 15 16 16 16 नंबर, 16 किसका है, 17 18 19 लगाओ उसको पेन, जब आप ये नहीं कर पा रहे तो कैसे करोगे, पीछे बचे कितना 19 20 21 22 23 24 25, ठीक है, अभी आप खड़े रहोगे, सब अपना नंबर दिखाते रहे, आप ध्यान से सुनिएगा, वो सामने आ जाए, वो सामने आ जाए जो कि 16, अब हम आपको महत्तम समापवर्तक बता रहे हैं, तो हम कोई भी संख्या दे रहे हैं 16 और 24, ठीक है, वो बच्चे इधर आ जाए जिनके पास वो जो नंबर है जो 16 को डिवाइड कर दे, आइए जो 16 को डिवाइड करने वाले बच्चे आ जाए और रेड कलर की संख्याएं वाले बच्चे आ जाए, आप इसके यूनिफॉर्म में लेना कैसे, यूनिफॉर्म वाले को दीजिए, मैं देना मेरा भी यूनिफॉर्म वाले को दीजिए, वे बच्चे यहाँ आ जाए जो उनके पास वो नंबर है जो 16 को विभाजित कर, ठीक है, आप लोग रेड कोड सबको मिल गया, और इसको ऐसे दिखाइए, हाँ ऐसे करके दिखाइए, समझ में आ गया, अच्छा अब वे बच्चे येलो कोटी उठा लें जो 24 को डिवाइड करता है,
आप लोग इतना सीखे वे बच्चे येलो को क्यों उठा ले जो 24 को डिवाइड करेगा आइए बोलो येलो ऐसे दिखाई तुम दोनों को डिवाइड ऐसे नहीं पास दोनों है वो ऐसे करिए ऐसे करके पास लगे अब वे बच्चे खड़े हैं जो किसको डिवाइड कर देते हैं 64 हो गया ना तो जो पहले हमने बताया था कि वे बच्चे आ जाएं जो 16 को डिवाइड कर दें तो वो क्या कहलाते हैं फैक्टर ऑफ 16 16 के अपवर्तक अब ये जो खड़े हैं वो सब किसके अपवर्तक हैं 24 के अपवर्तक ठीक अब वे बच्चे खड़े रहे जिनके पास दोनों हैं वो खड़े रहे बाकी अपनी सीट पर चले जाए बातें नहीं समझ में आ रहा है नहीं आ रहा ऐसे करिए आपके पास कौन सा नंबर आ जाइए सर आप कैसे आ रहे हैं एक ही कोटी अब वे बच्चे खड़े रहे जिनके पास और आप एक असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर देख रहे हैं एक नंबर बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में जल्दी खड़े हो जाओ आप ऐसे आपको समझ में आया पहला जो था वो 16 के अपवर्तक थे जब हमने सबको खड़ा कर दिया 24 के अपवर्तक आ गए अब ये कौन रहेंगे ये जो है 16 और 24 दोनों के अपवर्तक जिसे कहते हैं समापवर्तक इसे समझ में आया समझ में आया अब इसमें से हमें बताइए महत्तम समापवर्तक क्या होगा अब इसमें महत्तम का मतलब जो आठ है वो महत्तम समापवर्तक समझ सबकी समझ में आ गया सबकी समझ में आ गया अब आप लोग ये एक्टिविटी बनाइएगा करिएगा और जब आप कहीं टीचिंग में जाएं तो इसको करवाइएगा एक बहुत छोटी सी है वो ज्यादा नहीं थैंक यू बच्चों